find out the distance between the two entities, no? So in that case guys, यहाँ पर जो वहां पे r minimum था, it means minimum amplitude, so r यहाँ पे maximum होगा, so r max is equal to plus minus a not a zero, positive and negative extreme position, but मैंने यहाँ पे plus minus 2a लिख दिया है, या कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे प्लस माइनस 2a क्यों है? महालक्ष्मी, मोहम्मद, ओमकार, हर्षदा, वरुण, विराम, तो बता सकते हैं मुझे यहाँ पे प्लस माइनस 2a क्यों यूज किया है? बोलो लक्ष्मी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। एक्सप्लेन मी, प्लस माइनस टू ए ही क्यों? व्हाई नॉट प्लस माइनस ए ओनली? स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन क्या था ओमकार? यस सर, स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन क्या था? जब दो अपोजिशन में वेव ट्रैवल करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उससे स्टेशनरी होती है। हाउ मेनी वेव रिक्वायर्ड ओवर देयर? टू वेव्स सर, टू वेव्स। सो इफ गाइस वी हैव द टू वेव, अगर दो वेव्स हैं तो उसके अंदर जो भी एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा तो वो दो क्रिएट होगा। हमारे पास दो वेव के पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशंस होंगे, यस और नो? एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पर दो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और दो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, तो हम लोग इसको प्लस माइनस टू ए लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग इसे प्लस माइनस टू ए लिखते हैं, मतलब यहाँ पे दो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है और यहाँ पे दो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसको हम लोग एक साथ प्लस माइनस टू ए लिखते हैं। इन स्टेशनरी वेव, सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ये सब के लिए वी रिक्वायर्ड टू वेव, एंड व्हेनेवर वी हैविंग अ टू वेव एट दैट टाइम वी नीड टू यूज द प्लस माइनस टू ए एट एक्सट्रीम पोजिशन। तो यहाँ पे प्लस माइनस टू ए यूज कर लेंगे हम लोग, हम लोगों ने एक टर्म से रिप्लेस किया था आर को, रिमेम्बर? ओमकार, क्या था वो टर्म? टू ए कॉस टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, टू पाई एक्स अपॉन लैम्बडा, यही था ना, इससे रिप्लेस किया था हम लोगों ने। हाँ सर, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड के जगह पे था। ये स्टेप लिख लेंगे, नाउ विल कंपेयर इट, इफ वी कंपेयर बोथ, सो प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्डा, where the 2a, 2a will get cancelled and we'll, here will remain only plus minus 1, is equal to cos 2 pi x upon lambda. अब guys, ये जो 2 pi x upon lambda है, ये angle की जगह पे है, तो हमें कुछ ऐसे angle use करने होंगे यहाँ पे, जिससे cos एक बार 1 मिले और एक बार minus 1 मिले. So, can you know me that angle? मोहम्मद, ओमकार सर, जीरो जीरो कॉस जीरो इट विल बिकम अ वन, एंड व्हाट अबाउट द माइनस वन? 180, 180 राइट? सो देयरफॉर 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू
जीरो पाई टू पाई एंड सो ऑन, समझ में आ रहा है? मतलब जीरो पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई एंड सो ऑन, यहाँ पे इवन एज वेल एज ऑड दोनों ही फंक्शन चल रहे हैं। अब गाइज अगर मैं यहाँ से x1, x2, x3 फाइंड आउट करूँ जिस तरीके से लास्ट टाइम हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे, तो अगर मैं x फाइंड आउट करूंगा x1, तो x1 मतलब जीरो के साथ कंपेयर करना होगा आपको, तो लैम्डा ऊपर जाएगा जीरो मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा अपॉन टू पाई एक्स, नॉट टू पाई एक्स सॉरी टू पाई, सो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग जीरो डिवाइड बाई एनीथिंग गेट जीरो, तो यहाँ पे जीरो रहेगा। इफ यू फाइंड आउट द एक्स टू फ्रॉम देयर, एक्स टू फाइंड आउट करेंगे तो सेम लैम्डा ऊपर जाएगा पाई लैम्डा एंड एयर विल रिमेन द टू पाई, सो पाई पाई विल गेट कैंसिल एंड एयर विल गेट लैम्डा बाई टू। समझ में आ रहा है ये स्टेप किस तरीके से आ रहा है? तो एक्स थ्री कैसे आएगा, एक्स थ्री क्या आएगा? सॉरी जीरो के लिए एक्स वन पाई के लिए एक्स टू, टू पाई के लिए एक्स थ्री, तो एक्स टू मिला है पाई को कंपेयर करके, लैम्डा ऊपर जाएगा सो पाई लैम्डा, टू पाई नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर में जाएगा टू पाई, पाई पाई विल गेट कैंसिल। ये वाले स्टेप दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये दिख रहे हैं ये सारे स्टेप, जीरो पाई टू पाई, एक्स थ्री के लिए क्या होगा? महालक्ष्मी एक्स थ्री के लिए क्या होगा? लैम्डा, लैम्डा ओके लिख लो पहले यहां तक लिख लो फटाफट। राइट फास्ट एवरीवन, डन सर, डन एवरीवन, यस सर, ओके। व्हाट अबाउट द एक्स थ्री, एक्स थ्री क्या मिला? किसी को नहीं मिला, गाइस अगर एक्स थ्री फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा राइट, अगर हम लोग वहाँ पे x3 फाइंड आउट करेंगे, x3 फाइंड आउट करोगे तो सेम फॉर्मेट में होगा 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 पाई, सो हियर 2 पाई 2 पाई गेट कैंसिल एंड ये रिमेन द लैम्डा। अब गाइस एक्चुअली में आप लोगों को एग्जाम में इस तरीके से x1 x2 x3 फाइंड आउट नहीं करना है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली लिखना है, मतलब इस तरीके से x इज इक्वल टू जीरो लैम्डा बाई टू लैम्डा एंड सो ऑन, समझ रहे हो?
आप लोगों को ये किस तरीके से आया है ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को मैंने बताया कि ये किस तरीके से आ रहे हैं। आप लोग एग्जाम में डायरेक्टली लिखोगे x इज इक्वल टू जीरो लैम्डा अपॉन टू लैम्डा एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है सबको ये कैसे लिखना है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ये जो मैंने सेपरेटली x1 x2 x3 निकाला हुआ है ये आप लोग इग्नोर कर सकते हो, इनको इग्नोर करोगे तो इससे आपके कोई भी मार्क्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो x इज इक्वल टू जीरो लैम्डा बाई टू लैम्डा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कुछ स्टेप आप लोग मिनिमाइज कर सकते हो, अभी समझ रहे हो तो अभी जरूर लिखना आप लोग। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स, तो यहाँ तक लिख लो और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो x तक लिखो x इज इक्वल टू जीरो लैम्डा अपॉन टू लैम्डा और उसके नीचे लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स। लिखे? हाँ सर। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, तो दो डिफरेंसेस यहाँ पे आप लोग फाइंड आउट करोगे x2 माइनस x1 लैम्डा अपॉन टू लैम्डा अपॉन टू माइनस जीरो विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू। सिमिलरली एक और डिफरेंस फाइंड आउट करोगे x3 माइनस x2 इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन टू, so again here we get the lambda upon 2. Is that clear? It means the distance between two empty node is lambda by 2 only. मतलब empty node भी प्रूव हो गया यहाँ पे। लास्ट लाइन में लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड इज लैम्डा बाय टू। Distance between two successive empty node is lambda by 2. हो गया सर। हो गया सबका? हाँ सर। अब गाइस लास्ट में एक पॉइंट और लिखना है, लिखो हेंस नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्विस्पेस्ड, हेंस नोड्स एंड एंटी नोड्स आर इक्विस्पेस्ड, मतलब दोनों के जो स्पेस है वो इक्वल है, विच इज द इक्विस्पेस्ड। I repeat, hence nodes and antinodes are equispaced. The distance between node
एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4. द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4. Hence, nodes and antinodes are equispaced. The distance between node and antinode is lambda by 4. Node and antinode is lambda by 4. लिखे? हाँ सर. क्लियर हुआ सबको पॉइंट्स सबको क्लियर हुए? डेरिवेशन समझ में आया सबको? ओके. आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि फंडामेंटल, ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स. तो कुछ पॉइंट्स हैं, जरा पॉइंट सारे समझ लेते हैं, बिकॉज आगे के जो डेरिवेशन है उसमें ये पॉइंट ऐड होने वाले हैं. तो जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्रिएट होता है, दैट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. गाइस, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है द मिनिमम फ्रिक्वेंसी इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी. अब ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक वेव है, एक स्ट्रिंग है. जब हम लोग स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं तो स्ट्रिंग में जो सबसे पहली लूप जनरेट होती है, इसे हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इस फर्स्ट लूप को हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं. रुवे, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. याद रखना, वेव की जो सबसे पहली लूप है उसे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं. इज दैट क्लियर गाइस? ओमकार मोहम्मद महालक्ष्मी. यस सर. अगर नेगेटिव साइड से आया तो भी वो सेम ही है. सेम है, एक लूप क्रिएट हो रही है किसी भी साइड से हो, व्हिच इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. द स्टार्टिंग लूप इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर? यस सर. After that, we having a fundamental mode. Mode, huh? Fundamental mode. Fundamental mode. Mode का मतलब क्या जानते हो आप लोग? ओमकर, mode के बारे में क्या जानते हो? बोलो, mode के बारे में क्या जानते हो? ओमकार सर याद नहीं आ रहा है. प्राची, प्राची प्राची निकिता सोहिल, प्राची निकिता सोहिल, महालक्ष्मी, आप लोगों ने इसके पहले मोड के बारे में कभी भी नहीं सुना है? प्राची, निकिता, सोहेल, मोड के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? हाँ सर, मीन मोड, मीडियन. मैक्स में चले गए. ऐसा नॉर्मली नहीं सुना है आप लोगों ने कभी? सर, डज इट हैव टू डू विद द मीडियम? नॉट इन मीडियम. मोबाइल यूज किया, मोबाइल. फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, याद रखना, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं. वी नीड टू नो अबाउट द मोड. मोबाइल में कुछ मोड्स होते हैं और उन मोड्स को ऑन करने के बाद हमारा मोबाइल उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है. कौन से हैं वो मोड? कौन से हैं वो मोड्स? फ्लाइट मोड, फ्लाइट मोड, साइलेंट मोड, जर्नल मोड, है ना, ये सारे मोड्स, वाइब्रेशन मोड्स,
देखो डार्क मोड। तो गाइस ये जो मोड्स हैं ये फंक्शन करते हैं हमारे मोबाइल को कि जिस तरीके का आप मोड मोबाइल को प्रोवाइड करोगे उस तरीके से वो बिहेव करेगा, वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको साइलेंट मोड पे रख रहे हैं तो मोबाइल सिर्फ और सिर्फ साइलेंट रहेगी, कभी भी रिंग और वाइब्रेट नहीं होगी। अगर आप लोग वाइब्रेशन मोड पे रखोगे तो ये बाकी सारे मोड पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन मोड पे वर्क करेगा। तो सेम कंडीशन है गाइस, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मतलब मैंने बताया द सिंगल फ्रिक्वेंसी है, आइदर वी कैन से द स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। एंड इफ वी प्रोवाइड द फंडामेंटल मोड सो दैट वेव विच क्रिएट द मिनिमम लूप, आइदर वी कैन से दैट वेव विच इज क्रिएटेड द सिंगल लूप ओनली ओवर देयर। समझ में आ रहा है? That fundamental mode which is generated only the single frequency, either we can say the fundamental mode which is created the minimum frequency, that is known as the fundamental mode. समझ में आ रहा है सबको? Fundamental mode क्या होता है, समझ में आया क्या? ओमकार सर एक बार फिर से रिपीट। नहीं समझा सर। वरुण, वरुण आवाज आ रही है? हाँ। वरुण मोड के बारे में मैंने क्या बताया, मोड के बारे में क्या बताया मैंने? ओमकार मोड के बारे में क्या बताया ये बताओ। तो कौन सा मोबाइल के मोड की अभी जो बताया वो? मोबाइल के मोड्स के बारे में, खाली मोड के बारे में मैंने क्या बताया? सर नाइट मोड, फ्लाइट मोड, डार्क मोड। वो तो ये मोड देने की वजह से क्या फंक्शंस होते हैं मोबाइल में? मोबाइल उस डार्क मोड में गए तो डार्क चेंज है, मतलब हम लोग जैसा मोड प्रोवाइड करते हैं हमारा जो गैजेट है उसी तरीके से वर्क करता है। हाँ, ये क्लियर हुआ सबको? हाँ। अगर मैं किसी भी वेव में फंडामेंटल मोड अप्लाई करूंगा तो उस वेव में सिर्फ एक ही लूप जनरेट होगी, एक लूप से ज्यादा जनरेट नहीं होगा, समझे? हाँ, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था? सिंगल लूप, आइदर वी कैन से मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जब हम लोग फंडामेंटल मोड रखेंगे तो फंडामेंटल मोड में क्या होगा, सिर्फ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही जनरेट होगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, एक फ्रीक्वेंसी मतलब एक लूप। क्योंकि जब भी मोड आप अप्लाई करोगे तो सिर्फ एक से एक ही लूप जनरेट होगा, एक से ज्यादा लूप जनरेट नहीं होंगे। क्लियर हुआ सबको? महालक्ष्मी? हाँ सर क्लियर हुआ। क्लियर हुआ फंडामेंटल मोड क्या होता है? यस, द मोड विच इज जनरेटेड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज द फंडामेंटल मोड। इज दैट क्लियर? यस सर। अभी तक दो पॉइंट्स हो गए हैं यहाँ पे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मोड। अब गाइस नेक्स्ट है ओवरटोन। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ओवरटोन। ओवरटोन है, ओवरटोन का मतलब जैसे कि ये जो वेव है तो इसमें जो सबसे पहली लूप थी तो उसे हम लोग फंडामेंटल बोल रहे थे, तो जब ये दूसरी लूप बनाएगी, जब सेकेंड लूप बनेगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उस सेकेंड लूप का जो नाम है वो है ओवरटोन। याद रखना ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, दैट इज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये जो सेकेंड वाला है ये हमारा ओवरटोन है, समझे? बस जो स्टार्टिंग लूप जनरेट हो रही थी दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जो सेकंड लूप जनरेट हो जाएगी, सेकंड लूप जनरेट हो जाएगी मतलब वहां पे फर्स्ट ओवरटोन क्रिएट हो जाएगा। याद रखना वहां पे फर्स्ट ओवरटोन क्रिएट हो जाएगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो हेलो वरुण, बार बार सर ये ये ग्राफ में जो पहली लूप है उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और जो सेकंड लूप है
उसे ओवरटोन कहते हैं। क्या कहते हैं वरुण उसे? ओवरटोन। ओवरटोन। अब याद रखना गाइस, ये जो सेकंड लूप है ये पहले लूप से ग्रेटर है, तो ओवरटोन का डेफिनेशन होगा द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आइदर वी कैन राइट ओवरटोन इज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द फर्स्ट ओवरटोन, आइदर ये भी लिख सकते हो इज नोन एज द ओवरटोन। सिंपली याद रखना है दैट ओवरटोन विच इज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग लूप को काउंट करता है, ओवरटोन एक लूप के बाद काउंट करना शुरू करता है, मतलब सेकंड लूप को काउंट करता है वो। ओमकार? यस सर। ओवरटोन क्या होता है, समझ में आया? हाँ सर। That overtone which is greater than the fundamental frequency. Suppose here we having a three loop. तो ये जो second loop है इसका नाम क्या होगा? Second overtone. Second overtone, right? इसका नाम? Third overtone. Third overtone. समझे? मतलब fundamental frequency के बाद जितनी loop दिखाई देगी आप लोग उसे काउंट करना शुरू करोगे और वहां पे लिखोगे फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन। समझ में आ रहा है? लेकिन पहले लूप का नाम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है टर्म्स? यस सर। अब गाइस यहां पर नेक्स्ट टॉपिक जनरेट होता है हार्मोनिक्स का। हार्मोनिक बोलता है which is the integral multiple with the each loop present in the wave. मतलब wave में जितनी भी loops present होंगे harmonic सबको count करेगा। मतलब जैसे यहाँ पर दो loop present है wave में, तो यहाँ पर दो harmonics है, यहाँ पे four loops present है, तो harmonic इन्हें count कर लेगा पूरा और बताएगा कि यहाँ पे four harmonics है। harmonic सारे loops को count करता है, fundamental frequency सिर्फ starting loop को count करता है, और जो ओवरटोन्स होते हैं वो सेकंड लूप से काउंट करना शुरू करते हैं। समझ में आ रहा है सबकी काउंटिंग किस तरीके से चल रही है? काउंटिंग समझ में आया सबको? यस सर। ओके, लेट्स चेक कि आप लोगों कितना समझे। Let me know how many fundamental frequency are present over here. One. 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 What about the overtone? No overtones. No. It means there is zero overtone. What about the harmonic then? One. One. It means here we having a one fundamental frequency, one harmonic, and zero overtone. Is that clear, guys? Yes, sir. Okay. Now let me know how many fundamental frequencies are present over here. One. The starting frequency is only fundamental frequency. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. What about the harmonic? What about the harmonic? Two. And what about the overtone? One. First overtone. One. अब कितने harmonic है? Three. Overtone. Two. Two. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वन। अब बताओ कितना ओवरटोन है? फाइव। फाइव। हार्मोनिक छह। फंडामेंटल वन। वन। क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। अब इनके डेफिनेशन शो कर रहा हूं, फटाफट लिख लो।
क्योंकि ये पॉइंट्स आगे आपको यूज करने हैं ताकि आपको पता हो वहां पे कि कैसे फंडामेंटल काउंट करते हैं, ओवरटोन कैसे काउंट करते हैं और हार्मोनिक किस तरीके से काउंट करते हैं। डेफिनेशन दिख रहा है सबको? हाँ सर, डेफिनेशन दिखाई दे रहे हैं, फटाफट लिख लो चारों डेफिनेशन। वरुण डेफिनेशन दिख रहा है कि नहीं आपको? वरुण मैं नहीं आऊंगा। अरे वरुण म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ आई विल थ्रो यू आउट। सॉरी सर।
हेलो हाँ सर साहिद है सॉरी संकेत जी हाँ साहिद है यस इट्स हैम डन गाइस नो सर यस सर हो गया यस सर राइट पास्ट महालक्ष्मी अच्छा आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए कुछ बोले क्या नो सर प्रैक्टिकल के लिए कुछ भी नहीं बोला उन लोगों ने नहीं सर बस लेक्चर चल रहा है ओके ओके तो प्रैक्टिकल के लिए कोई अपडेट आई है आप लोगों को सर मैंने पूछा था उन लोगों ने कहा जब तक गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक वो लोग कुछ नहीं करेंगे ओके तो लास्ट ईयर जब आप प्रैक्टिकल रूम में गए थे तो वहां पे ऑर्गन पाइप देखा था क्या आप लोगों ने नहीं सर एक पाइप टाइप की एक इंस्ट्रूमेंट लैबोरेटरीज में रखी होती है किसी ने भी नोटिस नहीं किया सर वो डॉग कुछ सिर्फ दो वगैरह कुछ करो ना आपकी आवाज ब्लर हो रही है सर फोटो वगैरह शो एक पाइप रखा होता है पाइप देखा है ना आप लोगों ने एक पाइप टाइप का इंस्ट्रूमेंट रखा होता है लैबोरेटरी में ओमकार हाँ सर कभी नोटिस किया है क्या नहीं सर अभी 12th में आपको वो एक्सपेरिमेंट करना होगा अभी फिलहाल थ्योरेटिकली इस टर्म को पूरा समझ लो ताकि आगे प्रैक्टिकल में जाओ तो आपको क्लियर रहे और याद रखना अभी दो टाइप के ऑर्गन पाइप के डेरिवेशंस देने वाला हूँ दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से तो थोड़ा ध्यान रखना गाइस अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक जनरेट होता है वो ऑर्गन पाइप का होता है ऑर्गन पाइप सेम जो आप पाइप देखते हैं सो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज अ डिवाइस इन विच अ एयर कॉलम इज वाइब्रेट टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव मतलब उस पाइप से साउंड जनरेट होता है कभी मेजर किया है आपने कि अगर आप पाइप में थोड़ा सा भी आवाज क्रिएट करो थोड़ी सी भी नॉइस क्रिएट करो तो वहां पे जो भी वॉइस होती है वो घूमने लगती है वहां पे गूंजने लगती है कभी मेजर किया है क्या जिस तरीके से एक ब्लैंक हॉल में आवाज गूंजती है उसी सेम तरीके से पाइप में भी आवाज गूंजने लगती है तो जिससे हम लोग ऑर्गन पाइप करते हैं याद रखना अ डिवाइस इन विच अ एयर कॉलम इज वाइब्रेट टू प्रोड्यूस अ साउंड वेव एंड दैट पाइप विच इज हैविंग अ टू टाइप्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है उसका एक एंड ओपन होता है एक एंड क्लोज्ड होता है और ओपन ऑर्गन पाइप में उसके दोनों साइड्स ओपन होते हैं दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में गाइस उसका एक साइड ओपन होता है एक साइड क्लोज होता है तो इसे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं और ओपन ऑर्गन पाइप में उसके दोनों एंड ओपन होते हैं तो उसे ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं समझ में आ रहा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है क्लोज्ड और ओपन के कंडीशन समझ में आए आप लोगों को याद रखना जब भी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलेगा तो उसका एक एंड ओपन होगा एक एंड क्लोज होगा और ओपन ऑर्गन पाइप बोलेगा तो दोनों एंड ओपन होंगे ये कंडीशंस याद रखने हैं अब गाइस इस पे ही डिपेंडेंट दो टाइप के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पे एक ओपन ऑर्गन पाइप पे तो पहले दोनों डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं एंड बिफोर दैट इनके दो डेफिनेशन है आप लोग कंप्लीट कर ले दिख रहा है ऑर्गन पाइप सिर्फ पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखना अ डिवाइस इन विच एयर कॉलम इज वाइब्रेटेड टू प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ऑर्गन पाइप उसके बाद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप के डेफिनेशन फटाफट लिखो
स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा आप लोगों को? यस सर। अब गाइस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ओपन ऑर्गन पाइप पे डिपेंडेंट डेरिवेशन आगे मिलने वाले हैं आपको। Done. Varun. सर पूरा नहीं लिखना है। पूरा नहीं, सिर्फ पहला पॉइंट ऑर्गन पाइप में फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद क्लोज ऑर्गन पाइप का डेफिनेशन, ओपन ऑर्गन पाइप का डेफिनेशन। Done? Yes, sir, done. Done. लिखे हुआ, सबका लिखे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Question दिख रहा है ये? Show that only odd harmonic are present as overtone in this case of an air column vibrating in a pipe closed at one end. दिख रहा question? Yes, sir. Yes, sir. दोनों क्वेश्चन लिखो फटाफट, राइट डाउन बोथ द क्वेश्चन। दोनों सिर्फ क्वेश्चन लिखना है यहाँ। हो गया सर। हो गया। अच्छा मैंने मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को रिफ्लेक्शंस के बारे में बताया था, तो वो जो रिफ्लेक्शन है कौन से मीडियम में जनरेट हो रहा है? जो रिफ्लेक्शन था वो कौन से मीडियम में जनरेट हो रहा था? दो मीडियम बताए थे मैंने सर, रेयरर एंड डेंसर। रेयरर एंड डेंसर। तो अब यहाँ पर जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है वो डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, और जो ओपन ऑर्गन पाइप है वो रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा, कैसे वो चेक कर लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है एंड दैट इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अब इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अपर एंड पे मतलब ओपन एंड पे विल कैप द वन ट्यूनिंग फॉक। देखा है ना आप लोगों ने ट्यूनिंग फॉक?
ट्यूनिंग फॉर्क देखे हुए हैं नहीं आप लोगों ने? अब गाइस यहाँ पे जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग इसके ओपन एंड पे रखेंगे, तो इफ वी डिस्टर्ब दैट ट्यूनिंग फॉर्क, सो दैट ट्यूनिंग फॉर्क विच शुड बी स्टार्टेड टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन एंड दैट वाइब्रेशन विच शुड बी स्टार्टेड टू एंटर्ड इनसाइड द ऑर्गन पाइप, तो ऑर्गन पाइप के अंदर ये ट्रैवल करना शुरू कर देगा. तो ओपन ऑर्गन पाइप ओपन एंड से ये अंदर की तरफ ट्रैवल करेगा. And it get incident on the surface of a denser medium. मतलब वहाँ पे closed surface है, closed surface है तो वहाँ पे incident होगा. मतलब यहाँ पे इस point पे incident हो जाएगा. और point पे incident होने के बाद याद रखना that closed organ pipe which is behaving like a denser medium surface. So when it should be a incident on the surface of closed end, at the same point it get reflect. Same point से ये reflect होगा. और रिफ्लेक्ट होके ऊपर की तरफ जाएगा. ये इस तरह ऊपर ऊपर की तरफ जाएगा. तो गाइज यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये स्टेशनरी पॉइंट जनरेट हो गया. और जहां पे स्टेशनरी पॉइंट जनरेट हुआ है वहीं पे नोड क्रिएट होता है. याद रखना क्लोज्ड एंड पे हमारे पास नोड जनरेट हुआ है. अब एंटी नोड कहाँ पे जनरेट हो रहा है? तो जैसे ही रिफ्लेक्ट होके, याद रखना ये वाला जो वेव था ये इंसिडेंट वेव था और ये वाला जो वेव था ये रिफ्लेक्टेड वेव था. अब गाइस ओपन एंड पे कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है कि जो वेव को रेस्ट्रिक्ट कर सके. तो जो वेव है वो थोड़ा सा पाइप से ऊपर चले जाता है, थोड़ा सा पाइप से ऊपर चले जाता है जहां पे क्रिएट होता है एंटी नोड. तो याद रखना जो एंटी नोड है, एंटी नोड ओपन एंड पे क्रिएट होता है. नोड क्लोज्ड एंड पे क्रिएट हुआ है, एंटी नोड ओपन एंड पे क्रिएट हुआ है और एंटी नोड पाइप से थोड़ा सा ऊपर होता है. ये बात याद रखना, आगे इस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग. ओपन ऑर्गन पाइप में जो एंटी नोड होता है वो पाइप से थोड़ा सा ऊपर बनता है. इज दैट क्लियर गाइस? यस सर. ये पॉइंट समझ में आया सबको? डेंसर मीडियम कॉन्सेप्ट था यहाँ पे. That closed organ pipe which is behaving like a denser medium. So if we kept the one tuning fork at the open end of pipe, so at that time that sound which should be started to traveling inside the pipe, and that sound would get reflected from the closed end. So at that point we had the stationary point, and that stationary point which is also known as the node. At the same point that wave would get reflected, and anti node which is generated at the open end of the organ pipe. ये पॉइंट्स थे जो आप लोगों को लिखने हैं यहाँ पे. ये पॉइंट समझ में आया सबको? हाँ सर. हाँ सर. क्लियर हुआ सबको? ओमकार, विराम, मोहम्मद. तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको वो पॉइंट वाइज लिखना है, सिंगल सिंगल पॉइंट में लिखना है. जैसे पॉइंट वन, पॉइंट टू, जिस तरीके से पहले आप लोग लिखते थे. तो यहाँ पर जहाँ पे भी फुल स्टॉप है वहां से पॉइंट चेंज कर दोगे. जैसे कंसीडर अ पाइप, पहले पॉइंट में कंसीडर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज हेल्ड एट द ओपन एंड. यहां तक पहला पॉइंट होगा. सेकंड पॉइंट लिखोगे फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव इज सेट अप इन द कॉलम. आवाज आ रही है गाइस? हां सर. यस सर, आ रही है. महालक्ष्मी आवाज आ रही है? आ रही है सर. ओके, समझ में आ रहा है किस तरीके से लिखना है पॉइंट्स? फुल स्टॉप के बाद पॉइंट चेंज करना है आपको. हाँ सर. हाँ, तक लिखोगे टिल द डेंसर मीडियम, मतलब पूरा पैराग्राफ जो दिख रहा है ऊपर पहला पॉइंट वो पूरा लिखोगे. पूरा पैराग्राफ लिखो फटाफट, इसके आगे के पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दो. हाँ वरुण. वरुण आपकी आवाज बहुत बफर हो रही है. पूरा लिखना है? हाँ पूरा लिखना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं.
इस इतने पॉइंट से कम पॉइंट करोगे ना तो मार्क्स भी कम हो जाएंगे, याद रखना। और वरुण याद रखना पॉइंट चेंज करके लिखना है यहाँ पे। हाँ सर, हर एक डॉट के बाद में। हाँ, ताकि आपको क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर है। हो गया लिख के? नो सर। यस सर। ओमकार, मोहम्मद, विराम, वरुण सर लिख के हो गया। लेट एवरीवन कंप्लीट। जब तक आप कुछ रीड कर लो, देखो पॉइंट सारे समझ में आए या नहीं। हुआ? हाँ सर। हाँ सर। अब गाइस यहाँ पर देखो हेडिंग दिया हुआ है फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड, वो लिख लो। सिर्फ हेडिंग लिखो, जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा वैसे लिखना है। हेडिंग लिख लो फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड। फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड। ओके, फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड क्या है? जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को ओवरटोन, फंडामेंटल मोड, ओवरटोन, हार्मोनिक्स ये बताया था, तो उसी तरीके से जब हमारे पास लूप कंटिन्यूसली मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फंडामेंटल मोड है वो किस तरीके से दिखेगा वो देख लेते हैं। तो ये वी हैविंग आवर ऑर्गन पाइप, ये
ये हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है एंड हियर वी केप्ट आवर ट्यूनिंग फॉक. ये ट्यूनिंग फॉक रख दिया हम लोगों ने. गाइस यहाँ पर जो वेव्स हैं साउंड वेव्स वो इस तरीके से ट्रैवल करेंगे अंदर. तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट हो जाता है और पाइप से थोड़ा सा ऊपर एंटी नोड क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पर ये जो कैपिटल एल है विच इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप. और यहाँ पे लैम्डा बाय फोर. अब जरा समझ लेते हैं कि लैम्डा बाय फोर कैसे आया. यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या था? लैम्डा बाय फोर. लैम्डा बाय फोर तो समझ में आ रहा है यहाँ पे लैम्डा बाय फोर मैंने क्यों लिखा है. क्या लैम्डा बाय फोर विच इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड. इज दैट क्लियर? यस सर. यस सर. तो गाइस अब यहाँ पे ये पहले मोड और फंडामेंटल मोड का डायग्राम है. जैसे आप यहाँ पर जैसे ही हेडिंग दोगे हेडिंग के बाद आपको डायग्राम बनाना है. डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर इज वन नोड एट द क्लोज्ड एंड एंड वन एंटी नोड एट द ओपन एंड एज शोन इन द फिगर ए. यहाँ पे फिगर ए ठीक है. तो आपने जो हेडिंग दिया है उसके नीचे लिखो In this mode of vibration, there is one node. In this mode of vibration, there is one node at the closed end. One node at the closed end and one antinode at the open end. I repeat, in this mode of vibration, there is one node at the closed end and one antinode at the open end as shown in the figure A. As shown in the figure A. As shown in the figure A. लिखा ये पॉइंट सब लोगों ने? Yes sir. Others? Yes sir. Shall we move? Yes sir. Draw the diagram. Diagram बनाओ फटाफट. ये डायग्राम बनाओ सब. आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम. लिखो सब लोग. लेट कैपिटल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम. लेट कैपिटल एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम. सर लेंथ ऑफ ऑर्गन में क्या था? दोनों एक सेम है क्या सर? हाँ, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप और लेंथ ऑफ एयर कॉलम में डिफरेंसेस हैं. आगे एक्सप्लेन करूंगा. यहाँ पर जो कैपिटल एल है विच इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ एयर कॉलम. महालक्ष्मी ऑर्गन पाइप को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं. आगे जब एंड करेक्शन बताऊंगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा. ठीक है? हाँ सर. ओके. So that capital L which is representing the length of air column
v which is representing the wave velocity in air and fundamental frequency lambda wavelength. I repeat that L is equal to length of air column, v is equal to wave velocity in air, n is equal to fundamental frequency, lambda is equal to wavelength. Done? Yes, sir. Next line में लिखो, wave velocity is given by v is equal to n lambda. It's our equation number one. But अब पहले समझ लो फिर लिखो. But L is equal to lambda by 4. याद रखना यहाँ पे जो हमारे पास length of air column है वहां पर जो wavelength generate हुई है that wavelength should be a lambda by 4. So if we find out the lambda from there, lambda find out करेंगे so here will remain the 4L. 4L को guys हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर वन में. इक्वेशन नंबर वन में सब्सटीट्यूट करोगे सो वी इज इक्वल टू 4NL. अब अगर मैं गाइज यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूं, अगर यहां से मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूं सो हियर वी गेट द इक्वेशन वी अपॉन 4L. ये समझ रहा सबको, n is equal to v upon 4l. या फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ इसे. n is equal to v upon 4l. It's our equation number 2. समझ में आया equation number 2 कैसे आया है? हाँ सर. equation number 2 clear हुआ सबको? याद रखना दैट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. ये जो हमारा इक्वेशन टू है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. लिखो फटाफट ये इक्वेशन पूरा. हो गया सर. हो गया? हाँ सर. क्लियर हुआ सबका पॉइंट? हाँ सर. नीचे लिख लेना इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट हेडिंग दे दो. सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन. सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन. सेकेंड मोड, सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन. ठीक है, सेकेंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन.
हेडिंग दी है? हाँ सर। अब गाइस यहाँ पे पहला ओवरटोन क्रिएट हो रहा है एंड दैट ओवरटोन विच इज ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेम यहाँ पे ट्यूनिंग फॉक होगा। ट्यूनिंग फॉक के बाद गाइस यहाँ पे पहला लूप हम लोग जनरेट कर देंगे। सो इन दैट केस we having a two node one node here and the second node here and we having a two anti node also one anti node here and the second one here again that capital L which is representing the length of the air column। अब गाइस यहाँ पे याद रख, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगा यहाँ पे देखो पापा? यहाँ पे एक लूप क्रिएट हुई है और हाफ, एक लूप क्रिएट हुई है मतलब लैम्डा अपॉन टू और हाफ लूप क्रिएट हुई है मतलब लैम्डा बाय फोर। हाँ, तो लैम्डा बाय टू प्लस हमेशा तुम्हें आज गलत। गाइस म्यूट करके रखो, म्यूट करके रखो, जब भी बोलने को बोलूंगा तभी बोलो। याद रखो यहाँ पे अगर इस तरीके से पॉइंट नहीं समझ में आते हैं तो एंटी नोड से नोड का बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय फोर और नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय टू। तो लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय फोर को ऐड करेंगे क्या होगा ओमकार? लैम्डा बाय फोर, लैम्डा थ्री लैम्डा बाय फोर, इट विल बिकम अ थ्री लैम्डा बाय फोर। और यहाँ पे लैम्डा वन दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लैम्डा वन का मतलब होता है कि ये फर्स्ट ओवरटोन के वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट ओवरटोन है इसलिए लैम्डा वन दे दिया यहाँ पे। ठीक है सर, ये डायग्राम और एक बार एक्सप्लेन करो ना। ये डायग्राम में हेडिंग क्या था महालक्ष्मी? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन इसके प्रीवियस वाले डायग्राम में हम लोगों ने क्या बनाया था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो डायग्राम में देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर कोई लूप जनरेट हुआ है क्या? एक एक्स्ट्रा लूप बनेगा ना? हाँ सर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहाँ तक था? एंटी नोड से नोड तक का ही था, उसके बाद एक लूप एक्स्ट्रा बन गया है तो यहाँ पे लैम्डा बाय फोर और यहाँ पे लैम्डा बाय टू, यहाँ पे लैम्डा बाय टू और यहाँ पे क्या था लैम्डा बाय फोर, दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? हाँ सर, थ्री लैम्डा बाय फोर। समझ में महालक्ष्मी? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन बोला है ना, तो ऑर्गन पाइप में एक लूप एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? ऑर्गन पाइप में एक लूप हम लोग एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, इज दैट क्लियर? यस सर। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। अब हेडिंग के नीचे लिखो इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर टू नोड्स एंड टू एंटी नोड्स एज शोन इन द फिगर बी। इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर टू नोड्स एंड टू एंटी नोड्स एज शोन इन द फिगर बी।
in this mode of vibration, there are two nodes and two antinodes as shown in the figure. लिखने के बाद डायग्राम बना लो, लिखने के बाद डायग्राम बना लो, और यहां पर भी सेम वही पॉइंट्स लिखने हैं, पहले डायग्राम बना लो आप। डन, डायग्राम बनाया। आफ्टर डायग्राम गाइस, यहां पर भी लिखना होगा आपको कैपिटल एल, कैपिटल एल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, वी वेव वेलोसिटी इन एयर, एन वन नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वन वेवलेंथ, सब कुछ सेम होगा। एन वन की जगह पे लिखोगे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, सारे नाम सेम होंगे, खाली एन वन का नाम चेंज हो जाएगा। एन वन का नाम लिखोगे नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, एन वन का नाम लिखना है नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी। एन वन इज नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी गाइस, लिखे पॉइंट्स। Yes, sir. समझ में आया पॉइंट, समझ में आइए। ओमकार, वरुण, मोहम्मद। Yes, sir. Okay. After that, guys, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। V is equal to N1 lambda 1, that is our equation number 3. After the equation number 3, from the figure that L is equal to 3 lambda 1 upon 4. So if we find out the lambda 1 from there, so here we get the 4L upon 3. So we'll substitute that equation in equation number 3. Samajh mein aaya 4L upon 3 kaise aaya? 4L upon 3 kaise aaya? Samajh mein aaya ya nahi? Yes, sir. Okay. After that, guys, फोर एल अपॉन थ्री को सब्सटीट्यूट करेंगे, सो ये वी गेट द वी इज इक्वल टू फोर एन वन एल अपॉन थ्री, सो वील फाइंड आउट द एन वन फ्रॉम देयर, एन वन फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री वी अपॉन फोर एल, तो यहाँ पे थ्री वी अपॉन फोर एल को सेपरेट कर देते हैं, तो वी अपॉन फोर एल की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V upon 4L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, N, so N1 is equal to 3N, it's our equation number 4. समझ में आया step? Yes, sir. Yes, हमारा sir. जो यहाँ पे first overtone है वो 3 time greater है fundamental frequency से, that first overtone which is greater than the 3 times as compared to fundamental frequency. Is that clear? Sir, ये fail कहाँ आ गया? हाँ? हो गया। नहीं चाहिए ये step. Insurance नहीं समझे। वरुण? वरुण कौन सा step नहीं समझे? कौन सा step?
V upon 4L क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? बाकी सब लोग लिखो हाँ, V upon 4L क्या था? हाँ वरुण, वरुण वरुण थोड़ा बादाम वगैरह खाया करो भाई। That V upon 4L which is representing the fundamental frequency. We already did in previous diagram where we get the fundamental frequency. So we are able to substitute over here. And we get the V upon 4L instead of N. So we can substitute kar sakte hai na wahan pe. Haan, samajh. Thoda presence of mind rakho yaar. 12th ke 12th standard ke student ho. Kya ho gaya? Done, sir. Done? महालक्ष्मी अब इसका थर्ड हेडिंग का नाम क्या होगा? सेकेंड ओवरटोन। थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन क्या लिखोगे? थर्ड मोड और सेकेंड ओवरटोन लिखे? ये रब कर दूं चलेगा? हाँ चलेगा सर। ओके तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे उसमें एक लूप और ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड मोड है। इन दैट थर्ड मोड वी हैड द सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन में तीन लूप बननी चाहिए तो यहाँ पे अभी तीन लूप आप लोगों को क्रिएट करनी है। ठीक है तो ये भी पुट दी ट्यूनिंग फॉक। एक सेकेंड आ जा मैं थोड़ा और बड़ा बना। दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिखाई दिया आप लोगों को? अगेन दिखाई दिया। Here that capital L which is representing the length of the air column again. Let me know the wavelength over here. Wavelength क्या होगा? And how many nodes and antinodes are present over here? Varun, first let me know how many nodes and antinodes are present in the diagram. वरुण थ्री 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 वर्ड नोड और एंटी नोड नो एंड व्हाट अबाउट द एंटी नोड देन थ्री एंटी नोड्स थ्री नोड्स एंड थ्री एंटी नोड्स सर फाइव लैम्डा बाय फोर क्यों क्यों महालक्ष्मी एक्सप्लेन करोगे जरा? फाइव लैम्डा बाय फोर क्यों? सर लैम्डा बाय टू और लैम्डा बाय टू मिलके लैम्डा हो जाएंगे और एक लैम्डा बाय फोर है। बराबर मतलब यहाँ से लेके एंटी नोड से लेके नोड तक लैम्डा बाय फोर था और फिर नोड से लेके यहाँ पे यहाँ पर दो नोड के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दो नोड के बीच का डिस्टेंस मतलब ये लैम्डा बाय फोर है ये लैम्डा बाय टू है एंड सिमिलरली यहाँ पर भी लैम्डा बाय टू तो सबको ऐड कर देंगे तो विल गेट दी फाइव लैम्डा बाय फोर तो ये सबको हटा देंगे हम लोग और डायरेक्टली लिख देंगे ये विल गेट दी फाइव लैम्डा बाय टू बाय फोर। क्लियर? लैम्डा टू इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड ओवरटोन और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लिखना है इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर थ्री नोड्स एंड थ्री एंटी नोड्स शोन इन द फिगर सी।
ये हमारा फिगर सी है, समझ में आ रहा है? हेडिंग के नीचे क्या लिखोगे? इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर थ्री नोड्स एंड थ्री एंटी नोड एज शोन इन द फिगर सी. समझे? हाँ सर. और सेम कॉन्सेप्ट में लिखना है आपको यहां पर भी, कैपिटल एल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, वी वेव वेलोसिटी, एन टू में नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा टू वेवलेंथ. मतलब हेडिंग, हेडिंग के नीचे लिखोगे कि कितने नोड एंटी नोड प्रेजेंट हैं, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद एल वी एन टू लैम्डा टू. सर हम्म, n2 सेकंड नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी आएगा ना? नहीं नहीं, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी लिखो. नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी लिख दे मतलब पहले वाले से ग्रेटर हो गया. हाँ सर. ओके हुआ, डायग्राम बनाए. ये पॉइंट्स लिखे, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम, वी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इन एयर, एन टू नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, लैम्डा टू वेवलेंथ. ओके. अब गाइस ये सब के बाद सेम कॉन्सेप्ट में आपको वापस फाइंड आउट करना है. सेम कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पे अगेन v इज इक्वल टू n टू लैम्डा टू, इट्स अवर इक्वेशन नंबर 5. आफ्टर दैट फ्रॉम द फिगर दैट l इज इक्वल टू बाय लैम्डा टू बाय 4. So we'll find out the lambda 2 from there. So here we are having the 4L. 4L upon 5. Substitute kar denge equation mein. So V is equal to 4N2L. 4N2L upon 5. N2 find out karenge. So 5V upon 4L. Isse replace karenge. To 5. N. मतलब हमारा जो N2 है वो 5 टाइम ग्रेटर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से. इट्स इक्वेशन नंबर 6.
डन डन सर, समझ में आया पूरा डेरिवेशन? एक ही पॉइंट था, एक ही पॉइंट पे आपको लिखते चले जाना। क्लियर हुआ सबका? यस सर। ओके, अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट दिखा रहा हूँ, उसे लिख लो खाली, क्योंकि कभी कभी वो सब न्यूमेरिकल में पूछते हैं और या फिर कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो कुछ पॉइंट है वो पॉइंट लिख लो खाली। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 दिख रहा है? सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ पिच ओवरटोन, तो याद रखना यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स बोला है, तो ऑड हार्मोनिक्स में फॉर एग्जांपल अगर पी 1 रहा तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, मतलब वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? पी की जगह पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट वही है, खाली एक घुमा के दिया हुआ है पॉइंट, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। हाँ सर, लिख लो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 खाली लिखना है। उसे डेरिवेशन में सर, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6। ओके, हो गया हाँ सर, सबका हुआ? यस सर। अब गाइस ये तो किसके लिए था? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। ये सारा किसके लिए था? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के साथ साथ कंडीशन किसका है? ओपन ऑर्गन पाइप का, और ओपन ऑर्गन पाइप में भी सेम डेरिवेशंस के पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिखाई दे रहा है सब लोगों को? शो दैट ऑल इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन द केस ऑफ एन एयर कॉलम वाइब्रेटिंग इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। लिख लो क्वेश्चन। पॉइंट था ना 6.2, लास्ट दो लाइन नहीं सर, लास्ट दो लाइन इसमें क्या क्या लिखा है और कुछ? एन थ्री इन फाइव। अरे भाई ऑड हार्मोनिक्स रिप्रेजेंट करता है वो लिखा है, जो अभी आपने ढूंढा है डेरिवेशन में एन थ्री एन फाइव एन ऑड हार्मोनिक्स। अरे प्रेजेंस ऑफ माइंड तेरा कितना वीक है वरुण, वही चीज वापस लिखा है सेंटेंस में।
क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन नंबर 24 और याद रखना क्वेश्चन नंबर 24 में इवन ऑड दोनों फंक्शन मिलने वाले हैं, मतलब दोनों हार्मोनिक्स मिलने वाले हैं। लिखे हुआ? हाँ सर। गिव द फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड। फर्स्ट हेडिंग दे दो। फर्स्ट हेडिंग फर्स्ट मोड और फंडामेंटल मोड। अब याद रखना दैट ओपन ऑर्गन पाइप विच इज बिहेविंग लाइक अ रेरर मीडियम सरफेस एंड इट डज नॉट हैविंग द एनी क्लोज पॉइंट टू इंसिडेंट दैट वेव एंड गेट रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के लिए इन्हें वॉल का ही सहारा लेना पड़ेगा। जो ऑर्गन पाइप के वॉल्स हैं ये उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि डायग्राम किस तरीके से बनता है here we have the our open organ pipe, that open organ pipe at the first open end we kept our tuning fork. ab yahan se waves iske andar enter hona shuru hote hain। तो यहाँ पर दो एंटी नोड जनरेट होंगे और एक नोड, क्योंकि दोनों ही एंड पॉइंट है तो ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड ही क्रिएट होता है। तो एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड यहाँ पे है और यहाँ पे नोड क्रिएट होगा। यहाँ पे नोड क्रिएट हुआ है, यहाँ पर सेम फंक्शंस होंगे, कैपिटल एल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अब याद रखना डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी नोड, द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंटी नोड इज लैम्डा बाय 2, सो यू गेट द लैम्डा बाय 2। डायग्राम समझे आप लोग? यहाँ पे दो ओपन एंड है तो दोनों ओपन एंड पे एंड करेक्शन, मतलब हमारे पास यहाँ पे एंटी नोड मिलेगा और इसके मिड में जहां पर ये दोनों वेव्स एक दूसरे से ओवरलैप हो रहे हैं तो वहां पे स्टेशनरी पॉइंट क्रिएट होगा, मतलब वहां पे नोड जनरेट होगा। तो गाइज यहाँ पर लिखो, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर इज वन नोड एट द सेंटर ऑफ द पाइप एंड टू एंटी नोड। आई रिपीट, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर इज वन नोड एट द सेंटर ऑफ द पाइप, इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर इज वन नोड एट द सेंटर ऑफ द पाइप एंड टू एंटी नोड्स and two antinodes and two antinodes one at each open end, one at each open end as shown in the figure A, as shown in the figure A। ये पॉइंट लिखने के बाद डायग्राम बनाओ। पॉइंट लिखने के बाद डायग्राम बनाओ। पॉइंट लिखा सब लोगों ने? ओमकार, मोहम्मद, वरुण लिखा सर। ओके,
डायग्राम बना लो, और डायग्राम बनाने के बाद सेम पॉइंट्स लिखने हैं. L लेंथ ऑफ द एयर कॉलम, V वेव वेलोसिटी इन एयर, N फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ. ओके, डायग्राम बना लो, पॉइंट्स लिख लो. हो गया सर? हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ. लिख लो, लिख लो. अब इसके बाद सेम फंक्शन, वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेव वेलोसिटी इज गिवन बाय, ओके ओके गुड, v is equal to n lambda, it's our equation number 1, but l is equal to lambda by 2, we'll find out the lambda from there, so that it should be a 2l, we substitute in equation number 1, so v is equal to 2nl. अब गाइस यहां से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करूंगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वरुण? v अपॉन 2l, v अपॉन 2l, इट्स आवर इक्वेशन नंबर 2. समझ में आया सर? हां सर. इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, रिमेंबर इट. Equation number 2 represents the fundamental frequency. याद रखना, दो fundamental frequency हो गए हैं, एक closed organ pipe का, एक open organ pipe का. Closed organ pipe का fundamental frequency V upon 4L, open organ pipe का fundamental frequency V upon 2L. समझे? हो गया सर. नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा प्राची? लेट मी नो द नेक्स्ट हेडिंग. प्राची, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट हेडिंग? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखें? सेकंड मोड और फर्स्ट ओवरटोन. Second mode or first overtone. Mahalakshmi. Mahalakshmi. हाँ सर. Diagram में एक extra loop add होने वाला है, so don't be confused in that. Okay? हाँ सर. तो इसका diagram. Heading दे देना आप लोग, second mode और first overtone. अब यहाँ पे same concept. ये हमारा ट्यूनिंग फॉग, अब ये कुछ जनरेट होगा. डायग्राम इस तरीके से दिखाई देने वाला है हमारा. याद रखना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लूप ऐड हो चुका है, सो इन दैट केस वी हैविंग द थ्री एंटी नोड.
एंड टू नोड सेम फंक्शन यहां पर भी होगा दैट कैपिटल एल विच इज रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम और यहां पर जो डिस्टेंस होगा जो वेवलेंथ होगा दैट शुड बी अ लैम्डा वन वैल्यू should be a lambda one. तो यहाँ पर आप लोग हेडिंग के नीचे लिखोगे इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर टू नोड्स एंड थ्री एंटी नोड एज शोन इन द फिगर बी आफ्टर द हेडिंग राइट डाउन इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन देयर आर टू नोड्स एंड थ्री एंटी नोड्स एज शोन इन द फिगर बी एंड ड्रॉ द डायग्राम एंड आफ्टर द डायग्राम सेम पॉइंट्स दैट एल लेंथ ऑफ द एयर कॉलम वी वेलोसिटी इन एयर एन वन विच इज रिप्रेजेंटिंग द नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी and lambda 1 which is representing the wavelength heading likho point likho diagram banao fir uske niche ke ye points likho हो गया सर हो गया हेडिंग के नीचे लिखे Done. Yes, sir. Okay. तो यहाँ पर भी आप लोगों ने L, B and one lambda one. Okay. तो अभी यहाँ पर भी same condition से इसको solve करना है. तो solve करोगे तो V is equal to N one lambda one, which is representing our equation number 3, but from the figure L is equal to lambda 1 so instead of lambda 1 we'll substitute over there l ab guys yahan se n1 find out karenge if we find out the n1 which is equal to v upon l ab yahan par aapko 2 2 se multiplied aur divide karna hoga kyunki fundamental frequency lane ke liye we required a 2 aur wo 2 lane ke liye we'll multiplied in both numerator and denominator dono mein jagah multiplied karoge so 2 v upon 2L 2V upon so instead of V upon 2L here we having a 2N N1 which is equal to 2N it means our first overtone which is a twice from the fundamental frequency of the open organ pipe which is also representing the equation number 4 you samajh mein aaya step yes ha sir okay Answer. लिख लो Done, sir. Done. Yes, sir. हुआ सबका? Yes, sir. ओमकार, वरुण. Yes. मोहम्मद. मोहम्मद. Yes, sir. Done, sir. अब इसका guys third condition जो होगा वो आप लोग find out करोगे, उसे सही format में आप लोग लिखोगे. ये आपका होमवर्क होगा अगले लेक्चर में मैं कराऊंगा तो उस बार चेक कर लेना कि आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा है
अभी लेक्चर खत्म होने के पहले 5 मिनट है, जो भी डाउट हो आज के लेक्चर में वो क्लियर कर लो। वरुण। हाँ सर। वरुण क्या डाउट है क्लियर कर लो। सर सिली क्वेश्चन है पर मेरे को समझा नहीं, 3 लैम्ब्डा बाय 2 का आपने 3 से लेके और 5 लैम्ब्डा बाय 4 में 5 आ रहा है। वापस बोलो आपकी आवाज बहुत बफर हो रही है सर। सिली हंसना। हाँ ठीक है पूछ लो। 3 लैम्ब्डा बाय 2 में 3 क्या है और 5 लैम्ब्डा बाय 4 में 5 क्या है? आपने बोला ना ln/4 वरुण तू डायग्राम देख रहा है? हाँ देखना डायग्राम देख रहा है। डायग्राम में क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मैंने क्लोज्ड ऑर्गन पाइप डायग्राम बनाया है जहाँ पर इस तरीके से डायग्राम है, ठीक है? तो एक नोड क्रिएट हुआ क्लोज्ड एंड पे, एक एंटी नोड क्रिएट हुआ ओपन एंड पे। तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या था? डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड क्या था? लैम्डा बाय 2 था। हाँ महालक्ष्मी लैम्डा बाय 2 था। लैम्डा बाय 4 ठीक है। अब अगर यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन जनरेट होगा तो एक लूप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, मतलब डायग्राम इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट लैम्डा बाय 4 था, मतलब एक एंटी नोड यहाँ पे है, एक नोड यहाँ पे है, एक एंटी नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे है। तो डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड दैट शुड बी लैम्डा बाय 4 और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज लैम्डा बाय 2। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2। ऐड करो बताओ क्या मिलता है? ऐड करो वरुण बताओ क्या मिलता है? हमान स्पीकर वरुण। हाँ सर। अरे बाबा इतना टाइम लगता है इसको ऐड करने में? हो गया। हाउ डिफिकल्ट क्वेश्चन इज दिस ना? सर आप कितना है? Six lambda upon eight. Wow. Wow, what a answer. वरुण तो एक काम करना है यार, आपको 9वीं 10वीं वापस पढ़ने की जरूरत है। महालक्ष्मी ओमकार ये राइट आंसर है? नो सर 3 लैम्ब्डा बाय 4। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? नहीं सर। क्या कर रहे हो यार आप लोग? हाँ वरुण 3 लैम्ब्डा बाय 4। अरे यहाँ पे बोथ न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाइड करो, अगर ये सब कुछ मैं बताऊंगा 12th में तो कैसे आगे का काम चलेगा? फिर ऐड करना है, आपको बताया नहीं गया मैथ्स में कोई भी चीज प्लस माइनस करने के पहले उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो क्या है इसमें 3 क्या है मैं क्या बताऊं आपको? ये 3 क्या है और 4 क्या है? दिस ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द ओनली नंबर। और ये जो 3 लैम्ब्डा बाय 4 है वो लूप का वेवलेंथ है, ठीक है? हाँ समझ। वरुण सर सॉरी सर। हाँ सर ये हार्मोनिक सर, मिस के लिए सॉरी। क्या हुआ हार्मोनिक का? सर हार्मोनिक्स के डेफिनेशन में ऐसे दिया दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट विद साउंड नोट, वो क्या है नहीं समझा मुझे।
हार्मोनिक्स में? हाँ सर, हार्मोनिक्स के डेफिनेशन में। पूरे डेफिनेशन पढ़ा क्या आपने? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। पूरा डेफिनेशन है द फ्रीक्वेंसी व्हिच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज द हार्मोनिक्स। मतलब वेव्स में जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं हार्मोनिक्स सबको काउंट करता है। अब ये साउंड नोट के साथ कभी प्रेजेंट होता है कभी प्रेजेंट नहीं होता तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो साउंड नोट्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर में ट्रैवल कर रहे हैं, पैरेलल नेचर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर वो शो किया हुआ है। और हम लोगों ने जो अभी डायग्राम देख रहे हैं वो सब ट्रांसवर्स वेव के कंडीशन में देख रहे हैं, जिसके लिए वहां पे लिखा हुआ है दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट विद साउंड नोट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं करोगे। महालक्ष्मी? हाँ सर। वहां पर सिर्फ कंडीशन दिखाई देने पे लिखा हुआ है तो उस पर कंफ्यूज मत हो जाओ। अभी जो भी हम लोग डायग्राम बना रहे हैं उसमें सब जगह ट्रांसवर्स वेव जैसा दिख रहा है ना? हाँ सर। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स, वो जो वेव्स हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो एग्जिस्टिंग कंडीशंस वहां पे डाला हुआ है। अब इसका टर्म ये नहीं है कि मतलब हार्मोनिक्स वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं होगा, हार्मोनिक एग्जिस्ट होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ओके सर। ओके गाइस, वी विल स्टॉप हियर देन। सर सर एक मिनट, वो ऑर्गन पाइप का पेज दिखाइए ना, दो लाइन छूट गया था। कौन सा? ओपन का कि क्लोज का? ओपन क्लोज। हाँ वो पेज। ओपन क्लोज दोनों? नहीं सर सिर्फ ओपन। ओपन ओपन का कौन सा क्वेश्चन वाला? सर व्हाट इज एन ऑर्गन पाइप है ना सर, मेन जनरल डेफिनेशन वो पेज। This one? ये वाला? महालक्ष्मी? नहीं सर लास्ट पेज। ओपन ऑर्गन पाइप का तो लास्ट पेज मैंने शो ही नहीं किया सर। अभी थर्ड पर आपको लिखना ऑर्गन पाइप Pipe, closed organ pipe, open organ pipe, ऐसा general definition है ना starting में वो वाला। Okay, okay, okay. हाँ हाँ ये वाला सर, एक मिनट। बाकी सब जा सकते हो वहाँ। The lecture is over now. So can I end it? हाँ हाँ। संकेत जी। Wait 2 minutes, महालक्ष्मी से पूछ रही है। Let her complete. Done, महालक्ष्मी? Thank you. Okay. Very nice. Okay, Sanket ji, we'll end now. Okay, sir. Sure.